हाई गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का। आई होप आपको बाकी के दो लेक्चर्स जो प्रीवियस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, कोई डाउट है, कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। एंड येस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज को शेयर करिए। आप सब जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, और इस समय आप घर पे हैं तो बेटर है कि अपनी पढ़ाई को हमारे मीडियम से करते रहिए। एंड येस, विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई गाइज, वेलकम बैक। हमें प्रोटिस्टा से शुरू करना था, माइकोप्लाज्मा तक हमने कर लिया था। अच्छा, जैसे आपको पता है विटेकर की जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, जिसमें मोनेरा को छोड़ करके बाकी सारे के सारे यूकेरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर उसमें दो हो जाते हैं, दैट इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, बाकी सारे के सारे फिर मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। उसमें जो प्रोटिस्टा है उसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक एंड सिंगल सेल। तो सिंगल सेल यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो वो टर्म किसके लिए, किस चीज को हम सिग्निफाई कर रहे हैं, प्रोटिस्टा। तो सिंगल सेल यूकैरियोट, प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। बहुत इजी लाइन है, पर कई बार नीट जैसे एग्जाम्स में, नीट जैसे क्या, नीट के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब कहने का ये है कि जो बाउंड्री है इसको किस, जो मतलब ये क्यों ना, इसके कैरेक्टर्स एकदम मतलब इनफ्लो आउटफ्लो में रहते हैं। मतलब किसी दूसरे किंगडम में भी जा सकते हैं या फिर अपने में भी रह सकते हैं। ये एक्चुअल में वैरी करते हैं प्लांट्स के साथ, प्लांट्स के साथ जो है ये वैरी करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक बायोलॉजिस्ट है, वो अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देख रहा है तो उसे वो प्रोटिस्टा की तरह दिखेगा, और अगर वहीं पे वो कोई दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देख रहा है कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट, तो उसे वो प्लांट की तरह भी दिख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये किंगडम ऐसा है जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए वो किंगडम, द ओनली किंगडम जिसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, दैट इज प्रोटिस्टा। इन दिस बुक जो युग, सॉरी, प्रोटिस्टा है, इनको फाइव उसमें डिवाइड किया गया है, दैट इज क्रिजोफ्लाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। फाइव क्लासेस में इनको डिफाइन किया गया है, क्रिजोफ्लाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। ये ऑर्डर जैसे दिया है ना, आप इसको वैसे ही याद करेंगे जैसे एनसीईआरटी में दिया, उससे आपको याद करने में ना इजी फील होगा। तो क्रिजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, सीडीई, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, ये याद रखेंगे। अगर जो प्रोटिस्टा होते हैं वो प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, इनफिर जितनी भी क्लासेस हैं सब आपको पानी में ही दिखेंगी। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब ये किंगडम देखो फंजाई के साथ भी लिंक कर सकता है, प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी। इसलिए कह रहे हैं इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। कहीं पे वो प्लांट जैसे कैरेक्टर शो करेगा, कहीं पे प्रोटिस्टा ही दिखेगा, कहीं एनिमल जैसे कैरेक्टर शो करेगा, कहीं प्रोटिस्टा की तरह लगेगा, कहीं फंजाई जैसे कैरेक्टर्स भी शो कर सकता है लेकिन प्रोटिस्टा दिख सकता है दूसरी जगह पे। इसीलिए इसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं रहती है। बींग यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। आपको पता है कि यूकैरियोट्स वही होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक, तो यूकैरियोटिक है तो प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों होंगे। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। अब एक दो एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, फ्लैजेला और सीलिया। आपने देखा होगा कि जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे, हमेशा रिलेट करके चीजें पढ़नी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था, अगर साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजेलम होगा या फ्लैजेला होगा। फ्लैजेलम इज जो है वो सिंगुलर ऑफ फ्लैजेला। तो मोटिलिटी के लिए फिर मैंने वहां पे भी बोला था फ्लैजेला, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। इनमें भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रोसेस होता है। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट जो डिविजन है या फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा का, दैट इज क्रिजोफाइट्स। इसमें डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आता है। डाई एटम्स आते हैं इसमें और गोल्डन एल्गी आता है, जिन्हें डेसमिड्स बोला जाता है।
तो ये जो ग्रुप है इसमें क्रिजोफाइट जो ग्रुप है इसमें दो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वन इज द डायटम्स जो कि मेन होते हैं और गोल्डन एल्गे पाए जाते हैं जिनको हम डेसिमेट्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे याद है, आपको पता है सारे के सारे एक्वाटिक मिलेंगे आपको, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं प्रोटेस्टेंट, लेकिन इनमें जो क्रिजोफाइट्स होते हैं ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं, मतलब खारे पानी में और फ्रेश पानी में दोनों में पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं मतलब इतने छोटे होते हैं, और दूसरा ना ये पानी के बहाव के साथ ही फ्लो कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लैंकटन, जिनमें खुद के लोकोमोटरी कोई ऑर्गन नहीं होते हैं और किसी दूसरे के मीडियम से ये अपने आप वो जो है अपने आप पूरी बॉडी उनकी फ्लो कर जाती है, उनको हम बोलते हैं प्लैंकटन्स। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स, ठीक, जो फ्लोट कर जाते हैं पैसिवली वाटर करंट में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं इनमें ये क्रिजोफाइट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैक्सिमम इसको इसमें आपको फोटोसिंथेटिक दिखेंगे, इसलिए मैंने बोला ऑर्डर से याद रखेंगे। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, याद रखेंगे, ये सारी लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने वाली लाइन्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट्स टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। साबुन दानी देखा है जिसको बोलते हैं हिंदी में, सोप बॉक्स जो होता है वाले कवर वाले जो एक के ऊपर दूसरा, मतलब एक जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नीचे वाला पोर्शन के ऊपर फिट कर जाता है, वही साबुन वाले बॉक्स की तरह इमेजिन करो, दो शेल होते हैं और ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक फिट हो जाते हैं, वैसा ही जो है इनका सेल वॉल होता है और थिन होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं किसकी तरह, सोप बॉक्स की तरह। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ डायटम्स के लिए है, यहाँ पे डेसिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, गोल्डन एल्गी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डायटम्स हियर। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल। इनके वॉल में जो है ना वो सिलिका भी पाया जाता है, इसीलिए इनके वॉल्स जो है ना, इनका जो सेल वॉल है वो डैमेज नहीं होता, इंटैक्ट रहता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि द सेल वॉल ऑफ डायटम इज इंडेस्ट्रक्टेबल ड्यू टू, तो आप क्या आंसर दोगे? कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit, large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. और यही है ना कि diatoms मर भी जाते हैं तो भी इनके जो cell wall है वो intact रहते हैं, सेल वॉल डिस्ट्रॉय होते नहीं है। अब ये सारे के सारे सेल वॉल ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिस जगह पे जो इनका हैबिटेट होता है वहां पे, और वो एक नाम हो जाता है, उसको एक नाम दे देते हैं डायटमेशियस अर्थ, मतलब ये पूरी जगह पे डायटम्स के जो है वो रिजर्व्स पाए जाते हैं और उनके कुछ बचे हुए कण पाए जाते हैं। और ये थोड़े ग्रिटी होते हैं, खुदरे होते हैं, जिसमें ये किस लिए यूज किए जाते हैं? पॉलिशिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, फिल्ट्रेशन पॉलिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, किसके किसके फिल्ट्रेशन के लिए? ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। चूंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इसीलिए आपको पता होगा कि ओशन में जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वहां पे प्लांट्स तो रहते नहीं है, कुछ ऐसे बड़े बड़े बैनियन पीपल जैसे जो कि प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेंगे, प्रोड्यूसर्स वही होते हैं जो खुद जो है वो फूड बना सकते हैं, उन्हें ही हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और उसमें एक ही आते हैं जो कि है प्लांट्स। अब ये बीइंग फोटोसिंथेटिक ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर द प्राइम प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्राइम प्रोड्यूसर्स ओशन में कौन है, तो यू विल से डायटम्स। सारे के सारे लाइन डायटम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं डायनो फ्लैजिलेट्स। पहली बात तो यहीं से याद रख लेंगे, डाई का मतलब होता है टू और फ्लैजिलेट का मतलब होता है फ्लैजिला। तो डायनो फ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, सबसे चीज यही क्लियर हो गई, डायनो से मतलब डाई से मतलब टू एंड फ्लैजिला इज फ्लैजिला। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन। पहले वाले में जो है वो फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों होते हैं, इसमें मोस्टली मरीन होते हैं,
फोटोसिंथेटिक, पहले वाला भी फोटोसिंथेटिक, जब हम डायनोफ्राजर्स की बात करें ये भी फोटोसिंथेटिक। अच्छा, अब ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, दैट इज दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। अच्छा, अब इनके बॉडी में या इनके सेल में जो भी मेन पिगमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग इनका कलर हो जाता है, पर ये कलर में वैरी करते हैं। यही एक है जो कलर में वेरिएशन शो करते हैं, वो कौन है? डायनोफ्लैजेलेट्स। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, और इनका जो सेल वॉल होता है इसमें जो आउटर सरफेस है वहां पे स्टिफ सेलुलोज की एक प्लेट पाई जाती है। किसकी प्लेट पाई जाती है? स्टिफ सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है। मैंने बोला डायफ्लैजेला है, डायनो है जिसका मतलब दो फ्लैजेला है, जिसमें जो दो फ्लैजेला होता है उसमें एक फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली होता है और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्सली होता है, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। यहां देखो, ये देखो, एक देखो, एक फरो के बीच में है, ये दिख रहा है ठीक, और एक लॉन्गिट्यूडनली दिखेगा आपको। ये देखो, पहला जो डायग्राम है ये डायनोफ्लैजेलेट्स का है, दो फ्लैजेला है ठीक, एक तो लॉन्गिट्यूडनली है और दूसरा ट्रांसवर्सली उस फरो में से निकल रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। इसके बाद जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना, इनमें भी दो फ्लैजेला, इसमें मतलब ऑर्डर में याद रखेंगे, डायनोफ्लैजेलेट दो फ्लैजेला जिसमें होते हैं उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स, लेकिन जो उसके बाद यूग्लिनॉइड है उसमें भी दो फ्लैजेला होते हैं लेकिन एक शॉर्ट एक लॉन्ग होते हैं। आगे पढ़ेंगे, ये डिफरेंस है याद रखना। फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, और एक जो ट्रांसवर्स वाला होता है वो फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स होता है। मैं पूछूं विच फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। वेरी ऑफ्टन रेड डायनो फ्लैजेलेट्स, एग्जाम्पल गोनियोलिक्स, गोनियोलिक्स या गोनिलैक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। अब एक रेड डायनोफ्लैजेलेट है जिसको हम बोलते हैं गोनोलॉक्स, और ये मल्टीप्लाई करते हैं और इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में हो जाते हैं कि पूरे के पूरे सी में यह फैल जाते हैं और उस सी को ही हम नाम दे देते हैं रेड टाइड्स के लिए। वो सच पूरा पूरा का पूरा जो सी है वो रेड हो जाता है और उससे फिर जब लहरें उठती है तो आपको वो रेड टाइड्स के फॉर्म में दिखती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको रेड सी या रेड टाइड्स। तो ये होता किसकी वजह से है? गोनोलेक्स की वजह से ठीक। क्यों होता है? क्योंकि ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है, मैंने बोला ना इनके पिगमेंट में जो रेड कलर के प्रमोशन करने वाले पिगमेंट होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है, एग्जांपल गोनोलेक्स। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, और ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा ओशन के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फिशेस की जो है वो डेथ हो सकती है। डायनोफ्लैजेलेट्स याद रखेंगे दो होते हैं फ्लैजेला, इनमें ये मोस्टली मरीन होते हैं, क्रिजोफाइट्स जो थे वो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों थे। अब हम आते हैं यूग्लिनॉइड्स के पास, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब देखो कैसे अल्टरनेट हो रहा है, फ्रेश मरीन, मरीन फिर फ्रेश, ऐसे याद रखोगे, फ्रेश मरीन, क्रिजोफाइट्स, डायनो मोस्टली मरीन, यूग्लिनॉइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसके बाद आने वाली है, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी, जो पानी ठहरा हुआ है और फ्रेश है वहीं पे ये जो है वो रिसाइड कर सकते हैं या पाए जाते हैं। याद रखेंगे अगर फ्रेश वाटर बोल रहा है तो स्टैग्नेंट पानी, रुका हुआ पानी ठीक। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, याद रखेंगे बहुत, अभी तक सब में सेल वॉल पाया देखा गया, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इसमें सेल वॉल जो है वो नहीं पाया जाता है, सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, और पेलिकल होने की वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है। तो बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसका प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम है पेलिकल वो इम्पोर्टेंट होता है। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं? नो, इंस्टेड ऑफ यूग्लिनॉइड्स द सेल वॉल हैज अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज नोन एज पेलिकल विच मेक्स इट्स बॉडी फ्लेक्सिबल। अब यूग्लिनॉइड जो है उनके पास भी डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग,
डायनो में एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स वाला फरो में रहता है। जैसे मैं याद बोल रही हूँ वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। दो दे आर फोटोसिंथेटिक अभी तक सब हैं, याद रखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अगर लाइट का प्रेजेंस वो होते तो हमेशा फोटोसिंथेटिक है, पर अब बाकियों की तरह अगर लाइट नहीं है तो खाना नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं है यूग्लेनॉइड्स में। यूग्लेनॉइड्स प्लांट और एनिमल, इसीलिए बोला जाता है कि यूग्लेनॉइड्स जो है वो प्लांट एंड एनिमल बोथ लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक। एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है? कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिकम हेटरोट्रॉफिक बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। सो दिस मेक्स यूग्लेनॉइड एज अ एनिमल, और दिस मेक्स यूग्लेनॉइड बिहेव एज एन एनिमल, ठीक। और जब तक वो फोटोसिंथेटिक है तो इट बिहेव्स लाइक अ प्लांट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि इसमें ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं विच इज लाइक प्लांट एंड एनिमल, ठीक। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट व्हेन द सनलाइट इज नॉट देयर या एब्सेंस ऑफ लाइट देयर है तो इस केस में ये अपना खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेडेट करके जो है वो ले लेते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जैसे क्लोरोफिल ए, ये सब चीजें जो है वो उनमें भी पाई जाती है जो कि हायर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। वो प्लांट जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यूग्लेनॉइड्स में भी दिखती हैं। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए वगैरह, ये भी सिमिलर पाए जाते हैं यूग्लेनॉइड्स में जो कि हायर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लेना। ये यूग्लेना देखो, दो फ्लैजेला निकल के बाहर आया, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ये यूग्लेना है। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कई बार एनसीईआरटी में ऐसे ही दे देता है पर आपको उसके बारे में फीचर्स बताने होते हैं। अब हम आते हैं स्लाइम मोल्ड, ऐसे याद रखना, एस से स्लाइम और एस से सैप्रोफिटिक। मैं वैसे ही आपको याद कराती हूँ जैसे मैंने याद किया था, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक। अभी तक सब फोटोसिंथेटिक मिले, पर स्लाइम मोल्ड इज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। पत्तियों के साथ जो है या पत्तियों के ऊपर जो है ये तैरते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सूटेबल कंडीशन। याद रखना है ये सूटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन बनाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम अलग होता है और आगे जब प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे वो अलग होता है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन अंडर सूटेबल कंडीशन है, याद रखेंगे, कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो सूटेबल होती हैं, उस समय एक एग्रीगेट बनाते हैं, इकट्ठा हुआ मास हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और वो कई फीट तक ग्रो कर जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर देता है जिसके टिप पे स्पोर पाए जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना, अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो यही प्लाज्मोडियम अपने आप में थोड़ा सा चेंज ला करके जो है फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसके टिप पे, उस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यही स्पोर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना हमेशा, ये स्पोर जो है ना ट्रू वॉल पोजेस करते हैं। लाइन कितनी बार दे चुका है आप खुद चेक कर लोगे, एक मतलब अगर 10 बार एनीट हुआ होगा तो मेरे ख्याल से 7 से 8 बार यही लाइन आपको दे दिया होगा कि इन स्लाइम मोल्ड स्पोर पोजेसेस ट्रू वॉल। यस, और ये जो वॉल है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशंस के जो है वो टूवर्ड्स बहुत रेजिस्टेंट होता है, टूटता नहीं है, और कई जो है वो टेम्परेचर और बाकी सारे जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं उनको सस्टेन कर लेता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट। कई बार दे देता है स्लाइम मोल्ड्स में जो स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है वो वाटर से नहीं होता, किससे होता है? एयर करंट से। याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो डिकेइंग ट्विग्स और इस सब पे रहते हैं या सारे कुछ प्लांट मतलब एक्वाटिक सुन लिया तो सोचेगा कि नहीं एक्वाटिक है तो मतलब वाटर से होगा, नहीं। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं,
प्लाज्मोडियम बनाते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो यही प्लाज्मोडियम जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है जिसके टिप पे स्पोर होता है, ये स्पोर ही जो है वो आगे जाके डिस्पर्स हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉफ्स। अब ये एक ऐसे यहाँ पे हैं जो कितने आपको सब तो यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफिक ही दिखे, एक स्लाइम मोल्ड आपको सैप्रोफिटिक दिखा है और बाकी यहाँ पे अब पहला आपको यहाँ पे हेटरोट्रॉफ दिख रहा है, यूग्लिना भी हेटरोट्रॉफिक हो सकता है एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं और प्रेडेटर जब किसी जानवर को मार के खा ले रहे हैं तो वो प्रेडेटर हो जाते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोअन्स का मतलब होता है एनिमल, इसीलिए बोला जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल जो है वो प्रोटोजोअन से ही ना जो क्लास है मेनली, प्रोटोजोअन के बाद जो है वो पॉलीफेरा ये सब चीजें जो है वो आती हैं। तो प्रोटोजोअन्स जो है वो मतलब एनिमल्स को अगर क्लासिफाई करते हैं तो पहले अगर हम बहुत हाई लेवल पर जाएंगे या जो जब सीपीएमटी वगैरह होता था उस टाइम पे हम प्रोटोजोअन्स पढ़ते थे, फिर हम पॉलीफेरा और ये सब पढ़ते थे, अब नहीं करते ऐसा। All protozoans are heterotrophic and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relative of animal. Protozoan, proto का मतलब होता है primitive, zoan का मतलब होता है animal. तो जो primitive animals हैं वो ही protozoans होते हैं। इनके four major groups हैं amoeboid, ciliated, flagellated and sporozoan. देखो amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबॉइड के लिए। अमीबॉइड में जो है दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, हर जगह ये रह सकते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। ये जो अमीबा है या जो अमीबा में जो है जो फॉल्स फीट होता है जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं वो इनके मूवमेंट के लिए भी यूज होता है, फॉल्स फीट के तरह काम करता है तो ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए भी यूज होता है और ये प्रे कैप्चर करने के लिए भी काम आता है। दे फॉर्म मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। जो मरीन फॉर्म होता है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, तो जो मरीन फॉर्म होता है याद रखेंगे उनके बाहर जो है ये सिलिका शेल पाए जाते हैं। सम ऑफ देम सच एज इंट अमीबा हिस्टोलिटिका पूरा नाम होता है अगर आप याद रखेंगे इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये कैसे होते हैं ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। आगे पहले लाइन में दे दिया था कि पैरासाइट प्रेडेटर दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं तो इंट अमीबा जो होता है वो एज अ पैरासाइट बिहेव करता है। अच्छा फ्लैजिलेटेड, आपको नाम से समझ में आ रहा है इनमें फ्लैजिला पाया जाता होगा, तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिव कर सकते हैं या तो ये दूसरे के ऊपर जो है वो एज अ पैरासाइट रहते हैं। दे हैव फ्लैजिला, ऑब्वियसली बात है तभी वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के नाम से जाने जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म, अब ऑब्वियसली बात है पैरासिटिक फॉर्म ही जो होता है ना वो इन्फेक्शियस होता है ज्यादातर, तो जो पैरासिटिक फॉर्म है वो कौन से डिजीजेस कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस और ये होता किससे है, ट्रिपैनोसोमा, पूरा नाम होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स, ये क्या है एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है और ये पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है स्लीपिंग ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में ऑब्वियसली बात है सीलिया होगा, ये एक्वाटिक होते हैं। सीलिया जो है जहां तक मेनली पाए जाएंगे एक्वाटिक में ही पाए भी जाते हैं याद रखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्वाटिक। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, फ्लैजिला बहुत मतलब फ्लैजिला और सीलिया में बहुत डिफरेंस भी होता है, लेकिन फ्लैजिला एक दो या एक 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 तरफ बहुत गुच्छे में पाए जा सकते हैं और एक तरफ जो है वो एक एक एंड पे पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके, इतना डिटेल में अब नहीं हमें पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन जो सीलिया होते हैं ना वो हमेशा न्यूमरस इन नंबर होते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में स्मॉल होते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, टूथब्रश में जो ब्रिसल निकला होता है
वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, दैट इज वाई बींग स्मॉल, और इसलिए वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, अनलाइक द फ्लैजिला जो कि एक दो या मैक्सिमम एक बंच में हो सकते हैं. थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, दे हैव अ कैविटी जिसको हम गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. एक कैविटी होती है उनके अंदर जिसको गलेट बोलते हैं, और वह सेल के बाहरी सरफेस पे जाकर के खुलता है. तो कैविटी को हम क्या बोलते हैं? गलेट. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be stirred into the gullet. अब ये जो सीलिया है ना, यही बाहर से खाना ऐसे ब्रश से कूड़े को हम झाड़ू से झाड़ करके बाहर करते हैं, या अंदर की तरफ उड़ा लेना होता है तो अंदर करते हैं, उसी तरीके से ये सीलिया ना बाहर से खाना लेकर के उसी बॉडी कैविटी में जो है अंदर जो है वो झाड़ झाड़ के बॉडी कैविटी के तरफ जो है वो फेंकता है, और इसी से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को अंदर लेता है. एग्जाम्पल पैरामीशियम. क्या बोलेंगे? पैरामीशियम. क्या बोलेंगे? पैरामीशियम. ठीक. स्पोरोज़ोअन्स, दीज इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इसीलिए उनको हम स्पोरोज़ोअन्स बोलते हैं. स्पोरोज़ोअन क्यों बोलते हैं? इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, मतलब कि जो इनका स्पोर वाला स्टेज होता है वो हमेशा इन्फेक्शन कॉज करेगा. मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम अलग है, और जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड बनाता है फेवरेबल कंडीशन में, वो प्लाज्मोडियम अलग है. प्लाज्मोडियम ही इसमें जो है वो मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है, या मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया को जो है वो कॉज कर देता है, जो कि एक बहुत मतलब सीवियर डिजीज है. Which causes malaria disease which has a staggering effect on human population. तो अब नेक्स्ट क्वीन में फंजाई, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. एंड येस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल. डू वॉच द वीडियोज. बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.